मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, चक्रसेनपुर रोड पे बदमाशों से एसओजी ग्रेटर नोएडा और दादरी पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश सुमित भाटी, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम था, उसे गोली लगी है, दाहिने पैर में घायल हुआ है, उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाते हुए जंगल में फरार हो गया है, काउंसलिंग चल रही है। कुछ दिन पूर्व पेरिफेरल रोड पे ट्रक ड्राइवरों से मोबाइल फोन लूटे गए थे, उसमें से एक मोबाइल फोन भी इनसे बरामद हुआ है। बाइक बरामद हुई है, संभवतः चोरी या लूट की बाइक होगी, अलीगढ़ में रजिस्टर्ड है, जेसीसी नंबर से पता चला है। अभी तमंचा बरामद हुआ है, ये कई केसेज में वांटेड था, कासना से 2 केसेज में वांटेड था, दादरी से 2 केसेज में वांटेड था, शातिर अपराधी है। इसके और आपराधिक रिकॉर्ड की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। आज कैसे जानकारी हुई सर? इस पूरे गैंग पे हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। आज मुखबिर की सूचना पे बदमाशों का मूवमेंट इधर था, उसी आधार पे सूजी टीम और दादरी टीम लगी थी, जिसके तहत रोकने पे इसने फायर किया और मुठभेड़ हुई, जिसमें घायल हुआ।